इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ आईटी सिस्टम, एक ऐसा आईटी सिस्टम जो अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस आपस में चीजें जुड़ी हुई हैं। अब इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम में क्या होता है? इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स कंबाइन हुए हुए होते हैं, कंबाइन हुए हुए होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हुए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज की 12 ब्रांचेज हैं और 12 की 12 ब्रांचेज में एडमिशन हो रहे हैं, 12 की 12 ब्रांचेज में स्टूडेंट्स का डाटा है। असूलन इन सबको आपस में इंटीग्रेटेड हुआ वो होना चाहिए, एक बड़ा सा सिस्टम हो हेड ऑफिस का, जो हेड ऑफिस का डाटा इन सारी जगह से इंफॉर्मेशन ले रहा हो और इंटीग्रेट होके एक बड़ा सा सिस्टम आ रहा हो। तो कई दफा ये ऑर्गेनाइजेशंस आपस में इंटीग्रेटेड सिस्टम पे चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका फाइनेंशियल्स का इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, तो एक लोकेशन पे एक बंदा परचेजेस रिकॉर्ड कर रहा होगा, एक लोकेशन पे एक बंदा सेल्स रिकॉर्ड कर रहा होगा, एक लोकेशन पे एक बंदा फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड कर रहा होगा, बट ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेट हुआ हुआ होगा और वन बिग पिक्चर आपको नजर आएगी सेंटर में। इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये जो डेवो की हमने एग्जाम्पल दी थी, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम तो है लेकिन साथ साथ इंटीग्रेटेड भी है। आप ऐप से करो टिकट, या आप किसी लोकेशन पे जाके फिजिकली करो, या फोन पे बुक करवाओ, वो सारी चीजें आपस में, जो फोन के सामने बंदे का सिस्टम है वो भी मेन वेबसाइट से इंटीग्रेटेड है, जो ऐप पे ऑर्डर कर रहे हैं वो भी मेन से इंटीग्रेटेड है, जो वेबसाइट पे ऑर्डर कर रहे हैं वो भी मेन से इंटीग्रेटेड है, जो काउंटर पे आके ऑर्डर कर रहा है वो भी इंटीग्रेटेड है। एक बड़े सिस्टम में सारी चीजें इंटीग्रेट हुई हुई हैं। तो जब विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल लोकेशंस या मल्टीपल सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होकर मिलजुल के बेहतरीन काम कर रहे हो, तो ये कहलाता है इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम। जितना अहम चैप्टर उतना ज्यादा हम गहराई में उतरते हैं, उतना ज्यादा हम छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि चैप्टर 11 को रट्टा मारना भी एक अप्रोच है, बट मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपको समझाऊं ताकि आपके जहन में रहे। तो जब मल्टीपल लोकेशन मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में जोड़ा हुआ होगा किसी एक फंक्शन में, सेम फंक्शन, यानी मैं कह सकता हूं ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, ये जी फलाना जी इंटीग्रेटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये जी फलाना ये इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम है, जब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंटीग्रेटेड एडमिशन सिस्टम है, एक कैंपस में एडमिशन करें, दूसरे में करें या तीसरे में करें, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो क्लास चल रही है ये एक इंटीग्रेटेड क्लास है, जहां मर्जी से आपने एडमिशन लिया, जिस मर्जी उससे आप इस क्लास में आए हुए हैं, तो ये बहुत सारे सिस्टम आपस में जुड़ के एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, बट ये सेम फंक्शन के होते हैं। सिर्फ एक ही फंक्शन अगर जोड़ रहा है, यानी सिर्फ फाइनेंस है तो बस फाइनेंस के सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, परचेज है तो परचेजेस के सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, पेरोल है तो पेरोल के सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सारे सिस्टम जब एक जगह जुड़ते हैं तो ये कहलाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब इससे बड़े सिस्टम की तरफ जाते हैं, अगर ये बहुत सारे इंटीग्रेटेड सिस्टम आपस में जोड़ के पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा सिस्टम बने तो क्या होगा? इससे पहले कि हम आगे जाके अगले सिस्टम को पढ़ें, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। आ सिस्टम दैट हैज कंबाइंड डिफरेंट फंक्शन टुगेदर इन ऑर्डर टू वर्क एज वन एंटिटी। इसको छोटे छोटे पार्ट सब सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है, हर सब सिस्टम मजीद तोड़ा जा सकता है। जैसे डेवो की बुकिंग का जो सिस्टम है उसको चार सिस्टम में तोड़ दें, ऐप से बुकिंग, टेलीफोन कॉल पे बुकिंग, फिजिकली आके बुकिंग, वेबसाइट से बुकिंग, फिर ये सारे आपस में जुड़ते हैं। ये ज्यादा कंप्लीट व्यू देता है, बेटर इन्फॉर्म डिसीजन देता है, अल्टीमेटली आपके ऑपरेशन में ज्यादा एफिशिएंसी आ जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, जिससे ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। जब एक कंपनी ने ऐप से आपको बुकिंग करने का ऑप्शन दे दिया तो सोचें कितना जबरदस्त काम हो जाएगा। मुझे याद है ट्रेन बुकिंग आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले, जब आप बुकिंग करते थे, फिजिकली जाके बुकिंग करनी होती थी, तो आप अगर जाके 4 दिन बाद की टिकट भी लेते थे तो बड़े आराम से मिल जाती थी, क्योंकि फिजिकली बड़े कम लोग आ रहे होते थे और ख्वारी होती थी। अब चूंकि ऐप वाला सिस्टम है, 2016 में इन्होंने ऐप का एक सिस्टम लॉन्च किया और जिसके बाद चीजों में डायनेमिक चेंज आई। आप आज बैठ के कई दफा महीने बाद बाद तक की आपको बुकिंग इतने आराम से नहीं मिल रही होती अगर पीक टाइम चल रहा है तो, और इवन उसमें ये तक होता है कि कौन सी ट्रेन के कौन से वाले डब्बे के कौन कौन सा टिकट नंबर, ये भी बताते हैं कि कौन सी सीट वेकेंट है, कौन सी सीट ऑक्यूपाइड है। तो फायदा हो गया ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जब कस्टमर को एक सहूलत मिली तो वो छोड़ देगा दूसरी बस है, वो जाएगा उस बस की तरफ जिसमें घर बैठे बैठे बुकिंग हो जाती है।
वो दूसरे बिजनेसेस से खाना खाना छोड़ देगा, वो उनकी तरफ जाएगा जो एक कॉल पे ऑर्डर लेके घर पहुंचा देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क ये है कि अगर एक मॉड्यूल फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फारिग हो जाएगा। मतलब अगर ऐप वाला सिस्टम काम नहीं करा और वो मेन से कनेक्ट हुआ था और मेन आउट हुआ है, तो अब या तो ऐप गलत टिकट बुक कर लेगी या ऐप फारिग होगी तो पूरा सिस्टम फारिग हो जाएगा। ये कम्प्लेक्स है और इसमें जाहिर है एरर होने के चांसेस जरा ज्यादा है, ये ज्यादा प्रॉन है एरर्स के, ये ज्यादा इसमें एरर होने की प्रोबेबिलिटी है। ये स्टैंड अलोन सिस्टम से ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये जो अलग अलग छोटे छोटे सिस्टम थे एक आधे दायरे के, ये काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि इन सारी चीजों को जोड़ा हुआ है। इसमें बड़े ग्रेटर लेवल की सपोर्ट आपको चाहिए क्योंकि सिस्टम जो है बेस्पोक होगा, बेस्पोक होगा जो अपनी नीड्स के मुताबिक टेलर होता है। टेलर का मतलब है जो आपकी नीड के मुताबिक कस्टमाइज हुआ हुआ होता है। तो जाहिर है डेवो वालों ने इस तरह का सिस्टम अपने तरीके से बनवाया होगा, रेलवे वालों ने अपने तरीके से बनवाया होगा। तो ऐसा सिस्टम जो आपकी नीड्स के मुताबिक बना होता है, इंटीग्रेटेड तो होता है, लेकिन एक मसला ये है कि फिर उसमें पैसे और एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है। हम ये कहते हैं कि सबसे जो छोटा सब सिस्टम है वो फर्स्ट लेवल है, यानी हम कहते हैं बुकिंग। बुकिंग से नीचे वाले लेवल पे जाते हैं तो एंड्रॉइड के ऐप के थ्रू बुकिंग, काउंटर पे बुकिंग, फलाना फलाना। काउंटर पे बुकिंग पे देखें तो काउंटर में आगे से 17 अलग अलग काउंटर हैं। लाहौर के काउंटर पे बुकिंग, साहिवाल के काउंटर पे बुकिंग, मुल्तान के काउंटर पे बुकिंग, कराची के काउंटर पे बुकिंग। तो आपके पीछे अलग अलग छोटे से छोटे सिस्टम। ऐप के ऊपर बुकिंग तो फिर फर्दर डिवाइड हुआ हुआ होगा, एप्पल की ऐप, एंड्रॉइड की ऐप या फलाना वाली ऐप, विंडोज वाली ऐप। एंड्रॉइड की ऐप के अंदर जो छोटे से छोटे जो यूनिट है वो सब सिस्टम है। तो फर्स्ट लेवल सब सिस्टम का मतलब है सबसे नीचे का सब सिस्टम।